सबसे पहले रोजगार स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट है जो बहन जी करती है। हमारे मैनोफेस्टो कुछ नहीं, हमारा बसपा का बहुजन समाज पार्टी का मैनोफेस्टो है संविधान, जिस संविधान से वो काम करती हैं बहन जी। बहन जी रोजगार पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, इस पे काम करती है। इसी स्वास्थ्य के इसी तीन मुद्दों पे दोबारा हमारी बहन जी उतरेंगी। लेकिन सर जनता तो हिंदू मुस्लिम चाहती है, जिन्ना की बात लोग कर रहे हैं, मोदी जी कुछ धर्म की बात करते हैं, काशी कॉरिडोर बना रहे हैं, मंदिर बन रहा है, मथुरा की बारी है, ऐसे मुद्दे चाहिए जनता को तो नहीं। 2007 में सरकार बनी थी लेकिन बहन जी ने हिंदू मुस्लिम का वहाँ कोई मुद्दा ही नहीं था, समानता की बात करी थी, समता मूलक की समाज की बात करी थी, जो इस हमारे इंडिया में जो आने वाला वक्त होगा वो समता मूलक समाज के हिसाब से जो देश में शासक करेगा वही शासक कर पाएगा। ये काफ़ी लंबी समय नहीं आई, मुझे लगता है 2022 से आप देखना शुरू हो जाएगा, ये बीजेपी की सारी जो RSS वाली नीति है वो सब खत्म होती चली जाएगी। लेकिन जो भाजपा के लोग हैं वो कर रहे हैं, हम हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हिंदुओं को मजबूत करें तो हम भी एक हिंदू हैं, हम तो मजबूत नहीं हुए हैं। 5 साल में हमारा स्थिति बहुत आर्थिक व्यवस्था से हम बहुत नीचे गए हैं, ऐसा कैसे है? अब एक को करा है तो मैं सामने 2-3 हमारे नाम है हमारे सामने जो मजबूत हुए हैं हिंदू, जैसे कि अंबानी, अडानी, ये मजबूत हुए हैं। हम कहाँ पर मजबूत हुए हैं? हिंदू तो सभी हैं ना, हिंदू तो हम तो हैं, हम तो नहीं मजबूत हुए, हमारी आज स्थिति और नाजुक हुई है। ये अगर सब लोगों को हिंदू मानते हैं तो सब लोगों को मजबूत क्यों नहीं करते हैं ये सब लोग? अभी आई वो आपने सुना होगा, मेरे नाम याद नहीं आ रहा, लखनऊ में जो ट्रेजिडी हुई थी, एक वो डेथ हुई थी, उनको तो इन्होंने 50 लाख रुपये नौकरी दे दी। क्या दलितों के साथ में 2 अप्रैल 2018 को इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, क्या किसी को 1 रुपया दिया इन्होंने? क्या किसी की कोई सहायता करी है? या किसी को भी मुकदमे वापस होंगे? किसानों के मुकदमे वापस हो रहे हैं कि अब कहाँ कर रहे हैं मुकदमे वापस? इन्होंने कर लिए नेता अभी, और नेता कह रहे हैं कि जो हमने कानून वापसी ले रहे हैं दोबारा आएगा। मंत्री जी अभी 2-4 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था जी तोमर साहब ने, वो इस वो किसान फिर से आंदोलन करेंगे फिर तो बिल्कुल होगा। जो ऐसी स्थिति बनेगी तो दोबारा अनशन दोबारा होगा, किसान के साथ हर सब समाज है। कहीं हमारे जो किसान भाई ने जो जंग लड़े हैं, 700 लोग एक्सपायर हुए हैं, उनको कुछ भी अभी तक मोदी जी ने कुछ भी नहीं बोला उनके बारे में। जितने केस हुए हैं केस के वापसी भी नहीं ली गई है। लेकिन सर सवाल ये है, किसान आंदोलन के सारे केस वापस हो रहे हैं लेकिन 2 अप्रैल में जो हुआ जी उसके केस आज तक वापस नहीं है। लेकिन बहन जी ने बोला है, बहन जी ने कहा है अभी कॉन्फ्रेंस में लिया था कि हमारे जो 2 अप्रैल में केस हुए हैं जो जेल गए हैं उसकी वापसी बहन जी लेकिन हम उम्मीद है सिर्फ एक हमारी बहन कुमारी मायावती है जो हमारे जो बहुजनों के लिए और अपर कास्ट और जो दबले कुचले उनके लिए पूरा काम करती है। बहन जी की सरकार आ गई तभी वापस? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहन जी ने बोला। मध्य प्रदेश इनमें क्या, इनका क्या होगा उत्तराखंड? तो बहन जी ने ही तो आवाज़ उठाई थी, हर स्टेट में राष्ट्रपति को भी दिया है बहन जी ने, तो ये केस वापसी लेने के लिए तो बोला है। जब स्टेट में हमारी यूपी में लेंगे तो ऑटोमेटिक दबदबा के जो भाई वहाँ पर ऐसा हो रहा है बहन जी के उससे, तो ऑटोमेटिक दूसरे स्टेट में लिया जाएगा बिल्कुल। लेकिन शुरुआत तो यूपी से हो जो सबसे बड़ा सूबा है जी। लेकिन यूपी के में चल रहा है जब पूरा हिंदू मुस्लिम चल रहा है, ये इसकी काट क्या है BSP के पास? रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा। शिक्षा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद रोजगार इम्पोर्टेंट है और स्वास्थ्य हमारा है ही, जो स्वास्थ्य से पहले। योगी जी कह रहे हैं हमने 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है 5 साल, उससे ज़्यादा तो बहन जी ने दिया है, हमारी बहन जी ने बहुत उससे ज़्यादा रोजगार दिया है, जो कि 108 तो हमारे जो वाल्मीकि समाज है जो हमारे मतलब उस पर स्वास्थ्य कर्मचारी लगाए थे जो आज तक भी उसका कर प्राइवेट सेशन जो प्राइवेट है जो बराई थे जा रही है यूपी में। और अभी देखा आपने, देखा उसमें बैंक क्या हड़ताल चली थी 3-4 दिन, वो प्राइवेटेशन इतना बढ़ा रहे हैं जो मतलब एक दबा कुचला इंसान है जो अपर कास्ट हो कोई भी हो उनके लिए रोजगार खत्म करना चाह रही है। जो हम जो आगे बढ़ रहे हैं हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है वो शिक्षा के बाद रोजगार तो है, जो रोजगार की वजह से आज हमारे लोग बहुत पीछे हो रहे हैं। कुछ लोग पहले कहते थे कि बहन जी पत्थर बहुत लगाती हैं जब सरकार आती है उनकी। सर जब तक इतिहास में किसी का इतिहास के बारे में ना पता होगा तो समाज कभी भी विकसित नहीं होगा। कब लगाई मूर्ति? लगाई हमारे समाज की, महापुरुषों की, और वो पुरुष हमें जब तक हम पहचानेंगे नहीं, हम जानेंगे तो अपनी पीढ़ी को क्या बताएंगे? हमारी पीढ़ी जब ही आगे बढ़ेगी जब अपने महापुरुषों के बारे में कुछ पढ़ सकती है और जान सकती है। मैं इसको शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से अपने लोगों से, अपने दिल से, बहन जी ने जो करा है बहुत गर्व का काम किया। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर जिसको ये पत्थर बताते हैं ना, आज उसी पार्क से ये लोग कमाई कर रहे हैं, वहाँ पे उसकी शूटिंग वगैरह जो भी होती है वहाँ से उसमें कमाई हो रही है, और ये सभी लोग जो पत्थर बताते हैं जिस पत्थर को, उस पत्थर से कमाई कर रहे हैं आज ये लोग। और ये उन्होंने कहीं बाहर विदेश से पत्थर नहीं लगाया, विदेश से कहीं से केवल भारत का पत्थर लगा था, और भारत के लिए वो उसमें जो काम मिला था वो भी रोजगार भारत को ही मिला था, यानी कि कहीं विदेश से लाया गया था। सर अनाज बांट रही है योगी सरकार, मोदी सरकार, मुफ्त में वोट तो वहाँ चला जाएगा। कैसे चला जाएगा वोट? कब, कितने दिन के लिए बांट रही है ये? 2 महीने 3 महीने के लिए, उसके बाद क्या करेंगे? अब से पहले क्या करा इन्होंने?
अब से पहले जो अब जनता इतनी परेशान रही है, भूखी मरी है, क्या करा इन्होंने? कोरोना काल में आपने देखा कि कितनी जनता मरी है, किसी को सुविधा मिल पाई क्या? सर, जो देश का राष्ट्रीय मीडिया कहा जाता है, टेलीविजन मीडिया, अखबार मीडिया है, वो बीएसपी को 10-15 सीट दिखा रहा है केवल। सर एक बात तो बताइए, हमारी 3 योजना से बसपा लगातार 5 चुनाव हो चुके हैं, 2007 से लेकर 2019 तक लगातार 22% के साथ स्थिर है। ये चाहते हैं टक्कर तो बीजेपी और बसपा की है, सपा तो कहीं नहीं, 6% है उनके अपने लोग, जो कि मुस्लिम दिखा रहे। मुस्लिम हर जगह हर प्रत्याशी को देगी जो बीजेपी को हराएगा, और वो कैंडिडेट होगा बसपा का। जो मजबूती से आप बुलंदखंड चले जाओ, यूपी के पूर्व साइड में चले जाओ, मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण है, वो बड़ी तेजी से जुड़ता हुआ रहा है। जी सपा अभी देखो, अभी तो आचार संहिता लगने दो, कैंडिडेट आने के बाद आपको समीकरण ऑटोमेटिक। अरे कौन करे, ग्राउंड रिपोर्ट पे जो कार्यकर्ता है, बिल्कुल मिशन के साथ बहन जी के लिए जो आदेश होते हैं, वो उसी जमीनी स्तर पर घर घर जाके वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। सतीश चंद्र मिश्रा जी ने लगातार 3 महीने से आप देख रहे होंगे मीडिया पे, जिस तरह से वो ब्राह्मण समाज और दलित समाज और मुस्लिम समाज के बीच में जा रहे हैं। हमारे मीटिंग में उसको परमिशन दी नहीं जा रही थी, हमारे मेरठ में हमारे जो सतीश चंद्र मिश्रा जी आ रहे थे, हमें पता, बाहर में ताला लगा दिया पुलिस वालों ने, और हमारे पास अंदर हमारे 250 लोग रोके बंद करके, बाहर के बाहर रोड पे हमारे लड़के रुक गए, ब्राह्मण समाज को आने नहीं दिया। ये दादागिरी कर रहे थे बीजेपी सरकार, वो परमिशन नहीं दे पा रहे थे हमारे लोग। हमारे लोग दलित समाज कहीं नहीं झटक रहा, बिल्कुल नहीं झटक रहा, नहीं मैं कब कह रहा हूँ, लेकिन मजबूती तो हमें पहले अपना घर मजबूत करना पड़ेगा ना, जब तो मुस्लिम समाज, जब तो ब्राह्मण समाज, जब तो हमारे जाट समाज, जब हमारे हमारे बहुजन समाज इकट्ठा होगा, पहले हम मजबूत होंगे। नहीं विश्वास, आपने कहा, आप ग्राउंड रिपोर्ट पे तो मीडिया जा ही नहीं रही, एक घर से जाके एक लोगों से मिलके क्या समीकरण बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, जब तक जमीन हमारा। जी मीडिया कह रहा है वही सच हो रहा है? नहीं ऐसा नहीं है, मीडिया तो 2007 में 49 सीट बता रही थी बसपा की, लेकिन फिर भी बहुजन 260 सीट आई है बहुजन समाज पार्टी की, मीडिया तो उस टाइम भी बता रही थी। मीडिया को तो आज ही हमारे 13% पे लाकर खड़े हैं, जो कि ऐसा हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। सर ये जो मीडिया है, जो मेनस्ट्रीम मीडिया है जी, ये बीएसपी को क्यों नीचे दिखाता है, क्या कारण है? रीजन है, इस देश में बहुजन समाज ही, समाज पार्टी ही इस देश को विकास में ले जाके दूसरे इंडिया कंट्री को बराबर में खड़ा कर सकती है, वो है बहन कुमारी मायावती, बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी। इसीलिए ये परेशान है, क्योंकि ये दोबारा बीजेपी सरकार क्या चाहती है, जो लोग पहले हमारे नीचे काम करा करते थे, उनको बैकवर्ड पे लाया जाए, दोबारा लाया जाए, ये ऊपर ना पहुँचे, पढ़ शिक्षित ना बने, ना जॉब लगे, ना अर्थव्यवस्था में मजबूत हो, इसीलिए बहुजन समाज पार्टी से डरते हैं, क्योंकि इसकी आइडियोलॉजी इनको लागू हो गई, इस देश में संविधान पूरी तरह से लागू हो गया तो देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। मोदी जी गंगा जी में जा रहे हैं, कॉरिडोर बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, मथुरा की बारी है, इससे कितना असर पड़ेगा? कुछ नहीं सर, जो ये तो मीडिया दिखा रही है, मीडिया जो दिखा रही है, ऐसा नहीं है सारी मीडिया दिखा रही है, जो हमारे बहुजन हैं, जो अच्छे पत्रकार हैं, जैसे आपने देखे ऊपर रवीश जी हैं, बहुत अच्छे अच्छी चीज़ दिखाते हैं, एक्चुअल दिखाते हैं, और उसमें जो आप कह रहे हैं कि गंगा में नारे, उसके बाद रात को भी तो है, हाय हाय हो रही थी, लेकिन वो तो नहीं दिखाते ना, नानी से कितने खबर दिखाते हैं? काफ़ी हमने देखा है कि जितना दूसरों के हिसाब से काफ़ी अच्छी रिपोर्ट देते हैं। खबर का नाम बताइए, रवीश कुमार ने दलितों का ये मुद्दा उठाया, लखवीर वाला कांड जितना उठाया, जो किसान आंदोलन में हत्या हुई थी दलित। सर ऐसा तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस बारे में तो हम ऐसा लेके नहीं बैठे ना कि भाई मीडिया से क्या चीज़ होगी, वो क्या चीज़ दिखा रहे हैं क्या नहीं दिखा रहे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें लाके फेस करते हैं, जो सामने लाके दिखा के फेस करते हैं। भविष्य बीएसपी का ये है सर, बीएसपी बहुत अच्छी पार्टी है, और भविष्य बीएसपी का आने वाले 2022 के चुनाव में बीएसपी जो बहन जी हैं वो 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। समीकरण कैसे बैठाओगे? ये युवा जो जिस तरफ युवा चला जाता है उस तरफ सब अपना भी समीकरण बन जाता है, और युवा आज बहन जी के साथ में है, और अभी पिछले अभी 2018 को आप देख चुके हैं कि 2018 में 2 अप्रैल 2018 को कितना शोषण हुआ है, उसमें फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, 13 नौजवानों ने शहीद भी हुए हैं, उसके प्रति बीजेपी, सॉरी मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, परंतु किसी भी पार्टी का आज देख लो आप कि सबको कितना परेशान करके रखा हुआ है सब लोगों को। बीएसपी से कुछ लोग चले गए हैं छोड़ छोड़ के पार्टी को, वो कहते हैं कि बहन जी मिशन से भटक गई हैं। देखो जो ये कहते हैं कि बहन जी मिशन से भटक गई है, अगर बहन जी मिशन से भटकती तो वो अपने लिए पता नहीं क्या क्या कुछ कर लेती, अपनी कितनी प्रॉपर्टी है कितना कुछ, पर लेकिन उनके पास में ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी पहले से ही जो मिशन को चला रही है, और मिशन के साथ में मिशन के पे ही चल रही हैं, वो अपने पूर्वजों को भूली नहीं है ना, आज अभी तक हम भूले अपने पूर्वजों को, जो माननीय काशीराम साहब ने बलिदान दिए हैं और बाबा साहेब ने बलिदान दिया है,
अपने चार चार बच्चे कुर्बानी किए हैं बाबा साहब ने, काशीराम जी ने भी बलिदान दिया और बहन जी ने अभी आप देख सकते हैं कि आजीवन का रह करके उन्होंने फिर भी वो समाज के लिए पार्टी के लिए काम कर रही हैं और करती रहेंगी वो।